नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीओम और आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में एक नई स्कीम आई है। दोस्तों भारतीय रेलवे के रेल मंत्रालय ने जो ट्वीट किया गया ये बताया है कि स्कीम है गजराज प्रोजेक्ट के तहत। दोस्तों गजराज जैसा कि हम लोग जानते हैं हाथी को भी कहा जाता है, और ये रेलवे ट्रैक में कभी अधिकतर हाथियों के एक्सीडेंट हो जाते थे। करीब भारतीय रेलवे में साल भर में 70 से 75 हाथियों की मौत हो जाती है केवल रेल से टकराने की वजह से, और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे में गजराज स्कीम एक परियोजना लाई, एक प्रकार से ये स्कीम लाई है जो टोटली एआई पे बेस्ड है। दोस्तों जब हम बात करते हैं एआई तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मिक्स होगी ही जरूर। दोस्तों यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि जिस एरिया में अधिकतम ज़्यादा हैं जिस इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज करेंगे। दोस्तों करीब 600 से 700 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर जो बनाई जाएगी, तो इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भारतीय रेलवे में किनारे, रेलवे के जस्ट किनारे इसी तरीके से हमारा तार को क्या किया जाएगा, बिछाया जाएगा। जब हम लोग तार को इस तरीके से लगा देंगे तो यहाँ पे एक लेज़र गाइडेंस सिस्टम हो जाएगा, जिस वजह से ये जो लेज़र होगी तो इस हाथियों के चलने की जो गति होगी उसको पहचानने के साथ साथ रेलवे की गति को भी पहचान लेगी, और जहाँ से इसको डायरेक्ट कनेक्टेड किससे हो जाएगा, लोको पायलट के केबिन से हो जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसके कई सारे इंडिकेटर भी लगाए गए हैं ट्रैक के किनारे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये गजराज जो सिस्टम होगा ये कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।